देश से लेकर शहर तक हर पल की खबर शहर का सबसे तेज न्यूज नेटवर्क औरंगाबाद तक। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार न्यायिक सुरक्षा परिषद में आज नए पदाधिकारी का प्रवेश हो रहा है, जिसमें साहिब का पठान जो हमारे स्टेट जनरल सेक्रेटरी महाराष्ट्र के नियुक्त किए गए हैं, उन्हें अभी नियुक्ति पत्र और उनका आईडी देकर सत्कार किया जाता है और संगठना में उनको शरीक किया जा रहा है। साहिब का पठान साहब, उसी के साथ सैयद इस्माइल हुसैन जो मराठवाड़ा मीडिया इंचार्ज बोल के नियुक्त किए गए हैं और उनको नियुक्ति पत्र देकर और आईडी देकर उनका सत्कार किया जा रहा है। सैयद इस्माइल हुसैन, उसी के साथ फिरदौस सालार खान पठान जो पठान तालुका इंचार्ज है उनको नियुक्ति पत्र देकर और आईडी देकर उनका सत्कार किया जा रहा है। फिरदौस पठान, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बद्धुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 को इद्दावार इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मपरित करते हैं। हमने उद्देश्य पढ़ी है और मैं
उसका अनुपालन करूंगा। जय हिंद। झूठे मामले, बलात्कार, फर्जी मुठभेड़, भुखमरी, बाल श्रम, अन्याय, अत्याचार, शारीरिक शोषण, उस पर रोक लगाना और उसकी कोशिश करना, FIR दर्ज करने में मदद करना, उसके साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार के तहत भी तरह के काम किए जाते हैं, जैसे और पुलिस कार्य में विफलता को रोकना, ठेकेदारी में बेईमानी को रोकना, दहेज प्रथा एवं गैर कानूनी कार्य को रोकना, पत्रकारों व RTE कार्यकर्ताओं की सुरक्षा प्रदान करना, ग्राम पंचायतों में नरेगा के फर्जीवाड़ा रोकना, ई मित्रों संचालकों द्वारा सरकारी दरों से ज्यादा रुपए लेने से रोकना, राशन डिलीवरी डीलरों अथवा राशन कार्ड धारकों को धोखाधड़ी के कालाबाजारी से रोकना, सूचना के अधिकार के जागृति लाना और एवं बढ़ोतरी, अस्पतालों में मरीजों का हर संभव मदद करना, फ्री मेडिकल चेकअप कैंप लगाना, ब्लड डोनेशन कैंप लगाना, आपातकालीन समय में मदद करना प्रशासन और समाज की, नशा मुक्ति अभियान चलाना और समाज में जागरूकता लाना, महिलाओं पर अन्याय, अत्याचार, घरेलू हिंसा, सामाजिक अन्याय, सांस्कृतिक अन्याय पर रोक लगाना और उसमें मदद करना, बाल उत्पीड़न, बालकों पर अन्याय, अत्याचार, सामाजिक अन्याय, सांस्कृतिक अन्याय पर रोक लगाने में मदद करना, पुरुषों पर हो रहे अन्याय, अत्याचार, घरेलू हिंसा, सामाजिक अन्याय, सांस्कृतिक अन्याय पर रोक लगाने में मदद करना, समाज में मानव जाति को प्रकृति और संविधान ने दिए हुए हक अधिकार के बारे में जागरूकता दिलाना, ये तमाम काम अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के तहत किए जाते हैं और औरंगाबाद में इसका ऑफिस है, यहाँ पर तमाम पदाधिकारी मौजूद है, जो मेरे साथ में डॉक्टर बेग साहब है और साहिब का प्रधान साहब जनरल सेक्रेटरी, उसके बाद में रुखैया बाजी है, अरशद साहब है और हमारे इस अहमद साहब है, फिरदौस पठान है और इस्माइल साहब है, उसके साथ हमारे कदीर साहब है, इलियास साहब है, इमरान साहब है और सिद्धार्थ नेतने साहब है, ये तमाम लोग यहाँ मौजूद है और संगठन के पास में अगर किसी भी तरह की आप शिकायत करें हमारी संगठन के पास, आप राइटिंग में दरखास्त दीजिए, आपका आधार कार्ड लगाइए, संगठन हर संभव आपकी मदद करेगी। अभी हमारे पास में जामनेर बोल के जलगांव जिला है, जामनेर जलगांव जिले में एक सामूहिक बलात्कार का केस था, उस बलात्कार केस में FIR दर्ज कराई और आरोपी को अटक कराया, उसके साथ साथ अभी हाल ही में कंचनवाड़ी का एक स्कूल है जहां पर एक बच्चे को मारा गया था शिक्षक के द्वारा, उस शिक्षक के ऊपर कार्रवाई करके उसको निलंबित किया गया है, उसके साथ साथ महिलाओं और पति पत्नी में जो विवाद होता है, घरेलू हिंसा, घरेलू झगड़े वगैरह, उसको मिटाने का काम बहुत सारा किया गया और तो बस इनको पर्सनल मामले से हम दायर भी नहीं कर सकते, नाम वगैरह, नाम शेख रशीद रहमान, मैं महाराष्ट्र अध्यक्ष हूँ। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, काले तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक, जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे माता की। आज अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़ी खुशी की बात है, सबसे पहली बात आज संविधान दिन है और इस मौके पर जो हम आपको जो है तो आज महाराष्ट्र जनरल सेक्रेटरी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की तरफ से हमको पद दिया गया है, तो आज बहुत संविधान दिन है यानी कायदे का दिन, और हमारी जो टीम है असल अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हमारे रशीद भाई को जो उसका सवाल पूछा गया कि भाई आपने ऐसे कौन से काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर कई हमने घाटी के मसले हैं यानी स्कूल के मसले हैं यानी जलगांव का जो मसला हुआ था हमारी टीम ने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे उसको न्याय दिलाने का काम किया, ऐसे कई अनगिनत जो है कई लोगों को यानी इसकी ज़रूरत थी यानी ज़मीनों के बारे में भी, इसके बारे में जो प्लाट के जो इलीगल प्लाटों के बारे में भी कई लोगों को इसका न्याय दिलाया गया और उसको हक दिलाया गया, और आगे भी टीम अल्हम्दुलिल्लाह जो भी औरंगाबाद शहर के अंदर यानी अनगिनत जो है तो भ्रष्टाचार चढ़ रहा है
यानी जमीन माफिया भू माफिया स्कीम के नाम पर जो है तो जो लोग जो है तो गरीब लोगों को ठगने का काम कर रही है, तो ये टीम अल्हम्दुलिल्लाह यानी हर जगह न्याय दिलाने का काम करेंगी। यानी जो मसले मसाइल जो मानव अधिकार में आता है, जो मानव का जो हक है, तो ये टीम अल्हम्दुलिल्लाह अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार जो उनको न्याय पूरे शहर के अंदर नहीं पूरे महाराष्ट्र के अंदर काम करेगी इंशाल्लाह। तो